भारतीय रेलवे के द्वारा स्थानीय प्रोडक्ट और उसके निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए जहां वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत कई स्टेशनों पर स्टॉल कियोस्क मुहैया कराकर वहां के लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं राज्य सरकार भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ज़िले के चयनित प्रोडक्ट को अपने तरह से प्रमोट कर रही है और विभिन्न जगहों पर उनके स्टालों के आस को लगवाकर स्थानीय उद्यमियों को और उद्योगों को साथ किसानों को विभिन्न प्लेटफॉर्म दे रही है जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में पूर्व में चयनित वन प्रोडक्ट के अलावा भी उसी ज़िले में दूसरे उत्पाद को भी चयनित करके उसको भी अपनी तरह से प्रदेश सरकार व ज़िला प्रशासन प्रोत्साहित कर रही है। गोरखपुर में पहले ODOP के तहत टेराकोटा उद्योग चयनित था, फिर प्रदेश सरकार ने रेडीमेड गारमेंट्स को भी दूसरे उद्योग के रूप में चयनित करके उसको बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत टेराकोटा के स्टॉल कियोस्क को लगवाया है। इस मुद्दे पर गोरखपुर न्यूज़ ने जब पूर्वोत्तर रेलवे से संपर्क करके जानना चाहा कि क्या गोरखपुर ज़िले के ODOP के तहत चयनित दूसरे उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी स्थान पूर्वोत्तर रेलवे मुहैया कराएगी, तो इस पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने एक सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार की तरफ से उसी स्टेशन पर उनके किसी दूसरे उत्पाद के लिए कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। इस बात का स्वागत करते हुए गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि ये अति स्वागत योग्य कदम है, वो इसके लिए शासन और रेलवे प्रशासन से समन्वय बनाकर रेडीमेड गारमेंट्स का भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉल कियोस्क खुलवाने का प्रयास करेंगे। रेलवे स्टेशन पर अधिक फुटफॉल होता है, इससे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ ही आम जन को भी फायदा मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए रेलवे ने यह डिसीजन लिया कि स्टेशनों पर जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जाए और उनका स्टॉल लगाया जाए। इस क्रम में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे यहाँ का वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में टेराकोटा का स्टॉल लगाया गया है। साथ ही साथ बनारस में आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे कौसानी सॉल के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो और भी स्टेशन्स हैं डिवीज़न वाइज 15-15 स्टेशनों का एक सूची मांगी गई है जिसमें उनको चिन्हित करके सर्वे करके लोकल देना है कि कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग और भी प्रोडक्ट्स को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर पूर्वोत्तर रेलवे में लगाएंगे। सर क्या इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से अपना सेकंड टू प्रोडक्ट देना चाहता है तो क्या वो दे सकता है? अगर राज्य सरकार कोई प्रपोजल इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे को देता है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। नॉर्मली हम लोग जो वहाँ का जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसके स्टॉल लगाने के लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है और कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं उनके नंबर भी मीडिया के माध्यम से लोगों को शेयर किए गए हैं कि उन नंबर्स पे बात करके कि इन स्टॉल को कैसे लगाना है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो हस्तशिल्पी हैं वो अपना प्रोडक्ट लगाएंगे वहाँ पर ले जाकर तो उनका उत्साहवर्धन होगा। तो जहाँ से भी अगर इन लोगों के लिए इनके बेहतर जीविकोपार्जन के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य रेलवे कर सकती है वो करेगी। विषय है और स्वागत योग्य है कि रेलवे द्वारा पहल की गई है और रेलवे स्टेशन जो यहाँ पे बहुत सारा फुटफॉल होता है वहाँ पे विपणन के लिए हम उद्यमियों के लिए हमारे किसान आर्टिसंस के लिए एक अवसर मिल रहा है। उसके तहत टेराकोटा के आउटलेट्स वहाँ खुले गए हैं। इस तरह के आउटलेट जहाँ हमारे नौकायान में खुले हैं वहाँ चिड़ियाघर में खुले हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस अच्छी प्रगति मिल रही है। तो ये रेलवे स्टेशन में भी बहुत अच्छी उपलब्धि होगी और इसके साथ वो रेडीमेड गारमेंट के लिए भी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके लिए हम लोग आवश्यक समन्वय और आवश्यक पैरवी करेंगे शासन स्तर पे और रेलवे डिपार्टमेंट के साथ से कोऑर्डिनेशन करके हमारे नियमित रूप से उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहती है, उसमें हम रेज करके इसको सुनिश्चित कराएंगे ताकि इसमें उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा हो सके और हमारे आर्टिसंस को भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके और हमारे रेडीमेड गारमेंट के उद्यमियों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके। इतना बढ़ावा मिलेगा इस तरह से
ये हमारे लिए अच्छी उपलब्धि ये है कि जनपद में रेडीमेड गारमेंट का हब है, टेराकोटा का हब है, विभिन्न तरह के डाइवर्सिफाइड विविधीकरण वाले इकाइयों का हमारा इंडस्ट्रियल हब है और इसमें एक बेस भी है। तो इस तरह के विपणन के आउटलेट से लोकल डिमांड को टैप करके उसकी आपूर्ति यहीं से लोकल मैन्युफैक्चर से सुनिश्चित करने का अच्छा अवसर मिलेगा।